इस वीडियो में हम IRCTC भारतीय रेल की मोबाइल ऐप पर टिकट बुक करना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसी टिकट को कैंसिल कैसे करते हैं और अंत में 5 टिप्स, कुछ जरूरी बातें। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इंडियन रेलवेज IRCTC की वेबसाइट पर हमारे 3 वीडियो पहले से हैं। अगर आप कंप्यूटर से ये वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। चलिए IRCTC या इंडियन रेलवेज की मोबाइल ऐप पर एक टिकट बुक कर लेते हैं। यहाँ मैं सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो एक एंड्रॉइड फोन है। ये रहा मेरा फोन। यहाँ पर मैं IRCTC कनेक्ट की ऐप पहले से इंस्टॉल कर चुकी हूँ। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जा करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। अब ये है वेलकम स्क्रीन। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली है IRCTC ट्रेन टिकट। अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कुछ केटरिंग या खाना ऑर्डर करने से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हमें ट्रेन की टिकट चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट पहले से है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अपना एक नया खाता भी खोल सकते हैं। जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया, ये एक फॉर्म खुल जाता है और यहाँ पर आप एक नया अकाउंट खोल के अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो में पहले रजिस्ट्रेशन करना सिखाया है, तो अगर आप उसे सीखना चाहते हैं आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर अपने IRCTC के अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर अपना यूजर नेम डालते हैं और अब यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐप आपका यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा याद रखे तो आप ये रिमेम्बर मी पर क्लिक कर दीजिए। ये एक्चुअली काफ़ी यूजफुल फीचर है, क्योंकि कभी कभी हम लोग इस ऐप में से लॉग आउट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको यूजर नेम पासवर्ड दोबारा से एंटर नहीं करना पड़ता। चलिए अब ये नीचे टिक का बटन है, इधर क्लिक किया और अब लॉग इन पर क्लिक कर देती हूँ। तो अब हम इस मोबाइल ऐप में लॉग इन हो गए। यहाँ पर मैं पहले कुछ स्टेशंस ट्राई कर रही थी, कुछ बुकिंग ट्राई कर रही थी जो मैंने पूरी नहीं करी, इसलिए मुझे वो वाली सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जब आप पहली बार आते हैं तो हो सकता है कि ये ब्लैंक हो। चलिए अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और मैं आपको मेन्यू दिखा देती हूँ। अगर आपको एक नई बुकिंग करनी है तो आप ये न्यू बुकिंग पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पहले से बुकिंग कर चुके हैं तो ये माई बुकिंग्स पर क्लिक करके अपनी पुरानी बुकिंग्स देख सकते हैं। और फिर है कैंसिल टिकट्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप बुकिंग नहीं करते आप टिकट कैंसिल नहीं कर पाएंगे। चलिए हम पहले न्यू बुकिंग पर क्लिक कर लेते हैं और अब एक नई टिकट बुक कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर है फ्रॉम, यानी कि आपको कहाँ से ट्रेन पकड़नी है। तो हम पहले यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और ऊपर एक सर्च का बॉक्स आ जाता है। आपको अगर स्टेशन का कोड पता है तो आप वो स्टेशन का कोड डाल दीजिए, वरना आप यहाँ पर स्टेशन का पूरा नाम भी टाइप कर सकते हैं। चलिए हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली। और ये देखिए, ये है इसका कोड। हम न्यू दिल्ली पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर ये न्यू दिल्ली आ गया। अब है 2, हमें कहाँ जाना है। अब ये दोनों तो सेम हो नहीं सकते, तो हमें नई दिल्ली से, चलिए हम मान लेते हैं कि हमें गुड़गांव जाना है। ये मैं यहाँ पर गुड़गांव टाइप कर लेती हूँ और ये आ गया गुड़गांव का स्टेशन। मैंने इधर क्लिक किया तो ये हो गया नई दिल्ली से गुड़गांव। हालांकि ये बहुत पास है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको जिस जगह जाना है आप उसका नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर आए जर्नी डेट पर, यानी कि आप किस तिथि को ट्रैवल करना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पर इधर क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये आज की डेट आ रही है। मैं यहाँ पर कोई और डेट चुन लेती हूँ। चलिए हम
यहाँ पर 30 जून की डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये 30 जून आ गया और अब आप यहाँ पर कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक किया तो जनरल या तत्काल, फिलहाल सिर्फ जनरल का कोटा जो है खुला हुआ है क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं। अगर आप तत्काल की बुकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुबह बुक करना होगा, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। चलिए फिलहाल मैं जनरल पर क्लिक कर देती हूँ। अब हमने फ्रॉम टू, जर्नी डेट और कोटा जो है चुन लिया। अब हम सर्च के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब वो ट्रेन सर्च कर रहा है। तो यहाँ देखिए, आपको ये सारी की सारी वो ट्रेन्स आ गई जो इस डेट को अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो जैसे कि ये है अजमेर शताब्दी, ये है कॉर्बेट पार्क, ये है रानीखेत एक्सप्रेस और ये है जम्मू AII एक्सप्रेस। अब हम कोई ट्रेन चुन लेते हैं। ये मैं चुन लेती हूँ अजमेर शताब्दी, क्योंकि ये इतनी सुबह नहीं है। अगर आप यहाँ पर इन तीन डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर रूट का मैप भी देख सकते हैं और फेयर का ब्रेकअप भी देख सकते हैं। इसका क्या मतलब, देखिए ये रूट मैप पर क्लिक किया तो ये आपको दिखा देता है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है और इसके जो रास्ते में सारे स्टेशंस हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। ये पूरे के पूरे रूट में जो अलग अलग स्टेशंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल तो हमें सिर्फ नई दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो बीच में सिर्फ एक ही स्टेशन आता है, लेकिन अगर आप कोई लंबी जर्नी कर रहे हैं, लंबा सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कई स्टेशंस बीच में दिखें। चलिए हम अभी फिलहाल रूट मैप को बंद कर देते हैं। तो ये तो हुई डिपार्चर की बात, फिर है अराइवल। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो सॉर्टिंग है ये बदल जाती है, कौन सी ट्रेन जो है पहले अराइव कर रही है वो आपको दिख जाता है। और ये है ट्रेन के नंबर, आप यहाँ पर क्लिक करके ये अलग तरह से भी ट्रेन्स को सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो अजमेर शताब्दी ही चाहिए। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। अब अजमेर शताब्दी में देखिए नीचे मुझे क्लास दिख रही है, ये है CC जो है चेयर कार और ये है फर्स्ट AC। तो मुझे तो सस्ती से सस्ती टिकट बुक करनी है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेती हूँ। और ये देखिए, और फिलहाल ये टिकट अवेलेबल है। और अगर मैं इधर जाती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी टिकट्स जो हैं अवेलेबल हैं, ये अलग अलग डेट्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 5 जुलाई, 4 जुलाई, वापस गए 3, 2, 1। आपको ये अगले पूरे हफ्ते की अवेलेबिलिटी या टिकट्स उपलब्ध हैं या नहीं ये दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर 30 जून ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब नई स्क्रीन आ गई। आप यहाँ पर चाहें तो आप पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। पैसेंजर कैसे ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया, अब आप पैसेंजर का नाम लिख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर पैसेंजर का नाम लिख लेती हूँ, विकास कुमार। ये रही उम्र, हमने यहाँ पर कुछ नहीं डाला, उसने सिस्टम में से पहले से ये चुन लिया है, उसने ये अपने आप फील्ड पॉपुलेट कर ली है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने शायद पहले कभी डाली होगी। और ये जेंडर मेल ये पहले से सिलेक्टेड है। आप आए सीट पर, तो ये रही विंडो सीट, आप चाहें तो यहाँ पर नो चॉइस कर सकते हैं या विंडो सीट चुन सकते हैं। चलिए हम विंडो सीट ही रहने देते हैं। और फिर आए बर्थ प्रेफरेंस पर, तो यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है बर्थ प्रेफरेंस इज नॉट गारंटीड। अगर आप कोई बर्थ चुन रहे हैं जैसे कि अपर बर्थ, लोअर बर्थ, तो आप अपनी प्रेफरेंस या आपको क्या चाहिए वो यहाँ पर इंडिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको वो बर्थ मिलेगी। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आप खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको बर्थ मिलेगा। फिर आए मील पर, यहाँ पर है वेज, आप चाहें तो आप अपना फूड सिलेक्ट कर सकते हैं, वेज या नॉन वेज, फिलहाल मैं वेज ही रहने देने वाली हूँ। और बस ये रहा डन का बटन, डन के बटन पर क्लिक किया
तो ये हमारे पैसेंजर की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ गई। अगर आप पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके और पैसेंजर्स भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और ये है ऐड चाइल्ड, अगर आपके साथ कोई बच्चा जा रहा है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर है प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस पर क्लिक किया तो ये है हमारा बोर्डिंग पॉइंट, हम कहाँ से चढ़ेंगे, वो तो है नई दिल्ली स्टेशन। और फिर वो बोल रहा है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी मनपसंद क्लास नहीं मिलती, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट एसी चाहिए पर फर्स्ट एसी अवेलेबल नहीं है तो आप इस समय सेकंड एसी बुक कर सकते हैं और बाद में कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आए रिजर्वेशन चॉइस पर, यहाँ पर लिखा है नन, और एक ऑप्शन है बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर एलोकेटेड इन द सेम कोच। अब ये कब इस्तेमाल होता है, देखिए ये ऑप्शन तब होती है जब 3, 4, 5 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि आप सब लोग, चाहे दोस्त हों या परिवार के लोग, आप चाहते हैं कि आप सब एक साथ बैठें, तो आप ऐसी स्थिति में ये रिजर्वेशन चॉइस में ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सबकी टिकट्स जो हैं एक ही कोच में होंगी और अगर नहीं है तो बुकिंग कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मैंने एक ही टिकट बुक करी है तो मैं नन पर ही क्लिक रहने देने वाली हूँ। और आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना कोच नंबर भी एंटर कर सकते हैं। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपका मनपसंद कोच आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑप्शन दी है तो अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है आप यहाँ पर उसे एंटर कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर नीचे टिक के बटन पर क्लिक किया और डन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये नीचे जो है हमारा मोबाइल नंबर उसने अपने आप हमारे अकाउंट में से डाल लिया। अब हम नीचे बुक पर क्लिक कर देते हैं। अब एक अलर्ट आ गया, वो बोल रहा है इन योर सिलेक्टेड ट्रेन क्लास चाइल्ड बिटवीन 5 to 11 ईयर्स विल बी गिवन फुल सीट एंड चार्ज्ड फुल फेयर। हमें बताया जा रहा है कि हमारी जो ट्रेन है उसमें 5 से लेकर के 11 साल के बच्चे का फुल फेयर यानी कि पूरी टिकट लगेगी। यस पर क्लिक किया और अब हमारा जो फेयर है यानी कि जो हमारे टिकट का दाम है वो कैलकुलेट हो रहा है। ये देखिए ये हमारे फेयर का ब्रेकअप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है टिकट का फेयर और ये है IRCTC के सर्विस चार्ज, और कुल मिलाकर हमारा जो टोटल फेयर है वो है 325.8। अब अगर आपका कोई कंसेशन या कोटा है तो आप वो अपने सिस्टम में डाल सकते हैं और वो उसे वहाँ से पिकअप कर लेगा। ये रहा कैप्चा, अब इस फील्ड में हमें कैप्चा एंटर करना होगा तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और बस प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वॉलेट्स की ऑप्शंस हैं, वॉलेट्स के विकल्प हैं। अगर आपके पास MobiKwik का अकाउंट है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर PayU Money, लेकिन फिलहाल मैं वॉलेट से पेमेंट नहीं करने वाली। यहाँ पर अदर पेमेंट ऑप्शन जो है मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये बटन पर क्लिक कर लेती हूँ जहाँ पर लिखा है ₹325.8। और अब मुझे पेमेंट की ऑप्शंस दी जा रही हैं, आप चाहें तो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड चुनने वाली हूँ और ये है मेरा बैंक Citibank, मैंने उसे क्लिक किया और अब एक नई स्क्रीन खुल गई। ये है Citibank पेमेंट गेटवे, चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर डाल सकते हैं, कार्ड का एक्सपायरी डेट और कार्ड के पीछे जो कार्ड का सिक्योरिटी कोड होता है या CVV कोड उसे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। चलिए मैं ये वाली सारी की सारी डिटेल्स पहले एंटर कर देती हूँ। तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल दी और अब ये सबमिट के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब वो हमें हमारा IPIN डालने को बोल रहा है तो हम अपना IPIN यहाँ पर डाल देते हैं। अब हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए ये रहा हमारा PNR नंबर, ये है हमारी ट्रेन, इसका नंबर और नाम,
ये जा रही है न्यू दिल्ली स्टेशन से गुड़गांव, ये रही डेट ऑफ जर्नी और ये सारी की सारी डिटेल्स आ गए और ये है हमारा ट्रांजैक्शन आईडी। आप चाहें तो आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये देखिए नीचे जो है कॉन्फर्मेशन भी आ गई और हमारा टोटल फेयर है लगभग 326 रुपये। तो ये हमारी ट्रेन की बुकिंग हो गई। अब हम अपनी ईमेल में देखते हैं कि क्या हमें कोई कॉन्फर्मेशन की ईमेल आई है या नहीं। ये मेरा ईमेल है, ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया, ये एक ईमेल आई है टिकट एडमिन से, ईमेल फ्रॉम IRCTC, इधर क्लिक किया और ये हमें कॉन्फर्मेशन की ईमेल आ गई और हमारी बुक की हुई टिकट की सारी डिटेल्स इस ईमेल में हैं। अगर आपकी टिकट नहीं बुक हुई तो आपको ये कॉन्फर्मेशन की ईमेल नहीं आएगी और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं। अब टिकट तो बुक हो गई, अगर इसे कैंसिल या रद्द करना हो तो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारी स्क्रीन थी, अगर हम नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पर ये माय बुकिंग्स पर जा सकते हैं, ये ऊपर जो है मेन्यू है इधर क्लिक किया, यहाँ पर माय बुकिंग्स पर क्लिक किया तो आपको आपकी बुकिंग की डिटेल्स दिख रही हैं। और अगर आप इस टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ पर क्लिक करके और ये कैंसिल टिकट्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये जो है इसे क्लिक कर लीजिए और इस टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। ये नीचे कैंसिल ई टिकट का बटन है, अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल नहीं करने वाली क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसी जर्नी पर खाना कैसे बुक कर सकते हैं। जाने से पहले 5 बातों का ध्यान रखिए, कुछ टिप्स। पहली बात, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक एक यूजर आईडी से आप केवल 2 टिकट्स ही बुक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इन 2 घंटे IRCTC के सर्वर पर ट्रैफिक बहुत होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए अगर आपको 2 टिकट से ज्यादा चाहिए तो सुबह 8 से 10 को अवॉइड करिए। दूसरी बात, तत्काल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक यूजर आईडी से केवल 2 टिकट ही एक दिन में बुक की जा सकती हैं। इससे ज्यादा टिकट्स आप बुक नहीं कर पाएंगे, ये अलाउड नहीं है। तीसरी बात, एक महीने में आप सिर्फ 6 टिकट्स ही ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये फीचर इसलिए शुरू किया गया क्योंकि कुछ लोग जैसे कि एजेंट्स सारी टिकट्स बुक कर लेते थे और आम लोगों के लिए टिकट्स मिलने में बहुत दिक्कत होती थी। चौथी बात, रात को IRCTC की वेबसाइट की मेंटेनेंस होती है, रात 11:30 से 12:30 बजे तक टिकट बुकिंग में परेशानी आ सकती है, इसलिए इस समय का ध्यान रखिए। अगर आपको कोई एरर मैसेज आता है, कोई दिक्कत आती है बुकिंग में, तो आप IRCTC को ईमेल लिख सकते हैं या फिर उनके कस्टमर केयर नंबर पर उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी बुकिंग में सहायता करेंगे। तो देखा आपने, भारतीय रेल की मोबाइल ऐप से टिकट बुक करके ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ना भीड़ में लाइन में खड़े होने की ज़रूरत और ना ही एजेंट को कोई पैसे देने की ज़रूरत, आप कहीं से भी मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं। क्या कैसे के चैनल पर 315 से भी ज़्यादा वीडियो हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्यूटर से देख रहे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके और अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।